नमस्कार, स्वागत है आपका इन्वेस्टर की विशेष पेशकश मुद्दों पर चर्चा इस विषय पर। देश जब प्रगति करता है बड़ा अच्छा लगता है, जब हम पूरे विश्व को टक्कर देने की बात करते हैं और वो भी पॉजिटिव नोट पर करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सफलता असफलता ये इन मामलों में मायने नहीं रखती, प्रयास मायने रखता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की जो परीक्षण होने जा रहा है, चंद्रयान 3 की जो उड़ान होने वाली है उस पर बात करने वाले हैं। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, ये सफर कुछ ऐसा रहा है कि इसमें कुछ खट्टी मीठी यादें देश के हर नागरिक के साथ में जुड़ी हुई है। आज चंद्रयान 3 का उड़ान होने जा रहा है, हम सबकी शुभकामनाएं तो इसके साथ में है, लेकिन ये विश्लेषण भी इस वक्त बड़ा जरूरी होता है। और विश्लेषण को करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में हमारे रिपोर्टर मनीष जी, आपका स्वागत है। मनीष जी, क्या कहेंगे चंद्रयान 3 की तैयारियों के ऊपर में? चंद्रयान 3 की उड़ान भारत देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भारत विज्ञान और तंत्रज्ञान के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है। और देखा जाए तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के कहीं ना कहीं विफलता के बाद इसमें कहीं ना कहीं सफलता की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बोला जाता है अपयश ही यश की प्रथम चरण होता है, अपेक्षी यश का प्रथम चरण होता है। और दो बार के अनुभव के बाद कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 सफल रहेगा ऐसा लग रहा है। देखा जाए तो 1626 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो उड़ान भरने वाला है, तो ये काफी बड़ी और रोचक बात है कि कल गुरुवार से ही उल्टी गिनती इसकी चालू हो चुकी है और 2:35 पर चंद्रयान 3 प्रक्षेपित होने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने मनीष जी, श्रीहरिकोटा से इसका उड़ान होने जा रहा है। गुरुवार से ही लगभग 25 घंटे की काउंटडाउन इसके लिए शुरू की गई थी। 615 करोड़ की लागत से इस उड़ान का प्रक्षेपण होने जा रहा है, देश के लिए गर्व की बात है। इसके पहले चंद्रयान 1 चांद पर पहुंचा था, वहां पर कुछ ये भी पता लगा था कि वहां पर पानी के अंश मिले थे। दुखद घटना यह रही कि जब चंद्रयान 2 का उड़ान करने की प्रयास किया गया था, जब उसका प्रक्षेपित किया गया था, तो वो क्रैश लैंडिंग हो गई थी। लेकिन इस अपयश से न घबराते हुए, इस क्रैश लैंडिंग से सबक लेकर इसमें कुछ सुधार न करते हुए देश के वैज्ञानिकों ने उसमें और पढ़ाई की, उसके ऊपर में और अभ्यास किया और आज हम फिर से एक बार चांद के सतह पर जाने के लिए भारत देश तैयार है, हम सब तैयार हैं एक अनोखा विक्रम करने के लिए, हमारी पहुंच को आगे बढ़ाने के, दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत में भी वो क्षमता है कि वो वैज्ञानिक क्षेत्र में भी आगे और ऊंची उड़ान बढ़ सकता है। इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए एक ही गाना याद आता है, आओ चले चांद के पार, जो चांद के पार चले, जो चांद के ऊपर जो गीत प्रक्षेपित हुए प्रकाशित हुए हैं, वो गीतों पर ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं चांद पर जाना पहले से ही भारत का सपना था और आज चंद्रयान 3 प्रक्षेपित होने जा रहा है। देखा जाए तो तमिलनाडु के साथ काफी अच्छा संबंध और क्लोज रिलेशनशिप था, क्योंकि पहला चंद्रयान और चंद्रयान 2 के वक्त भी मयिल स्वामी और वनिता यन वनिता जिन्होंने इस पूरे मुहिम को, पूरे अभियान में नेतृत्व किया था, और इस बार चंद्रयान 3 में विरुद्ध मेल जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु से अच्छा संबंध इस प्रक्षेपण का और चंद्रयान 3 का, बोल सकते हैं पूरे चंद्रयान की अभियान का अच्छा संबंध है। बिल्कुल सही बात कही आपने। आज जो इसका उड़ान होगा तो इसे चांद पर पहुंचने, चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने के लिए 24 से 25 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। कई लाख किलोमीटर का ये सफर है जिसे तय करेगा। Mark 3 बाहुबली रॉकेट से इसका लॉन्चिंग होना है श्रीहरिकोटा से, जैसे कि हमने इसके पहले बताया, और ये आज जो उड़ान भरेगा कई किलोमीटर कई मीलों की जो यात्रा है वो तय करके जो है चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा। वहाँ एक इनके ऊपर, इस यान के ऊपर में कैमरे बिठाए गए हैं, जो लैंड रोवर ऑलरेडी चांद पर है ये उसकी जो परिक्रमा हुई है उस मार्ग का विश्लेषण किया जाएगा, चांद को और नजदीक से देखा जाएगा, उसका विश्लेषण, उसकी तस्वीरें हमें यहाँ प्राप्त होगी इसरो के माध्यम से, और क्या नया जीवन या क्या नई गतिविधियां चांद पर हो रही है ये हम चंद्रयान 3 के माध्यम से देशवासी देख सकेंगे, पूरा विश्व इसे देख पाएगा। साथ ही साथ एक जानकारी भी आ रही है कि कहीं ना कहीं चंद्रयान की परिस्थिति देखकर, चंद्रयान
जो है चंद्रयान प्रक्षेपित होने जा रहा है, तो चांद का जो वातावरण है, चांद का वातावरण देखकर ये डिसाइड किया जाने वाला है, ये सुनिश्चित किया जाने वाला है कि चंद्रयान तीन आज उड़ान भरेगा या नहीं भरेगा। तो ये काफी रोचक और अभी भी प्रश्न चिन्ह वाली स्थिति है कि आज सफलतापूर्वक चंद्रयान तीन का प्रक्षेपण होगा या नहीं होगा। लेकिन हम इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुद्दों की चर्चा, इस कार्यक्रम का नाम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से यही शुभकामनाएं देना चाहेंगे चंद्रयान तीन मिशन में जो भी लोग शामिल है, साथ ही साथ जनता भी शामिल है, भारत का नाम भी इससे जुड़ा है, हमारे तिरंगा का नाम भी इससे जुड़ा है। तो जानकारी आ रही है कि कहीं ना कहीं आज यदि वातावरण में विफलता साबित होती है तो सितंबर में इसका प्रक्षेपण, इसकी उड़ान होने जा रही है। तो ये काफी देखना रोचक है और बोलते हैं हृदय की गति अब रुक चुकी है, साथ ही साथ धड़कने तेज हो चुकी है, रुक चुकी है तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं धड़कने तेज हो चुकी है कि आखिर होगा क्या। भारत जो तिरंगे की शान, आन बान और शान बोला जाता है, इस चंद्रयान तीन की सफलता के बाद कहीं ना कहीं भारत का नाम विश्व में काफी बड़ा परचम लहराया जाएगा। बिल्कुल सही बात कही आपने, देश तैयार है, हमारे वैज्ञानिक तैयार है, हम सब तैयार है चंद्रयान तीन के माध्यम से एक बार फिर से चांद के ऊपर में तिरंगा फहराने के लिए। हालांकि ये देखने वाला समय बताएगा कि क्या आज चंद्रयान तीन का उड़ान हो पाएगा, इसका प्रक्षेपण हो पाएगा, आज हो कल हो, लेकिन हमारी शुभकामनाएं। और मैं जैसे बता दूं कि सभी शास्त्रज्ञ जो वहां पर एक जो टीम कार्य कर रही है, उन्होंने चंद्रयान तीन का एक मॉडल लेकर भगवान से भी प्रार्थना की कि भगवान का भी आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद इस हमारे वैज्ञानिक प्रयासों को मिले, ताकि भारत वैसे भी पारंपरिक देश रहा है, हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, सभी धर्मों की और सभी देशवासियों की जो आशा इससे जुड़ी है, विश्वास इससे जुड़ा हुआ है, हम कामना करते हैं चंद्रयान तीन का उड़ान सफल हो, चाहे आज हो, कल हो, जब भी हो, हम कामना करते हैं कि एक बेहतर भारत का निर्माण इससे हो, बेहतर भारत की ओर हम अग्रसर हो। हाँ मनीष, परंपरा और विश्वास की बात आपने की है, तो कहीं ना कहीं रामायण महाभारत की बात भी की जाए तो पुष्पक विमान का कहीं ना कहीं जिक्र आता है। तो देखा जाए तो चांद पर जाने की बात आज हो रही है और कहीं ना कहीं चांद से सभी के इमोशंस जुड़े हैं। कोई अपने भाई के रूप में देखता है तो कोई अपने आशिक के रूप में बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रियकर के रूप में भी चांद को देखा जाता है। चांद बोले तो सबके हृदय का टुकड़ा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कथित तौर पर दूसरे अनौपचारिक भाषा में। बिल्कुल आपने सही बात कही, सर्वधर्म समभाव का प्रतीक भी है, क्योंकि ईद भी जो है चांद को देखकर ही मनाई जाती है। हमारे सारे हिंदू त्यौहार हो या मुस्लिम त्यौहार हो, ईद चांद को देखकर ही मनाते हैं। ऐसे चांद पर जाने के लिए हम तैयार हैं, देश तैयार, आप सब तैयार हैं। हम ऐसी चर्चाओं के साथ में फिर एक बार आपके साथ में हाजिर होंगे मुद्दों पर चर्चा इस विषय पर। तब तक के लिए मैं रत्नाकर और मनीष चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।